छिंदवाड़ा के अंदर 15% उत्पादन का कुल माल जो है निर्यात होता है, विभिन्न देशों को होता है। उसमें केवल अफगानिस्तान ही नहीं है, अफगानिस्तान जो माल जाता है वो 35-40% जाता है, और मोटी क्वांटिटी है उसको देखते हुए, और वहाँ पे कंजम्पशन मोटा मोटी जिस कपड़े का जाता है वो हिंदुस्तान से ही उनको वारा खाता है, संभव है कि भाई उनको समय से मिल जाए। भिलवाड़ा इंडस्ट्रीज पे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ेगा, करीब 2.5 से 3 करोड़ मीटर कपड़ा यहाँ से अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट होता था, और पर्टिकुलरली इस सीज़न में करीब 1 करोड़ मीटर रेडी टू डिस्पैच तैयार था, जो भी डिस्पैच होने वाला था। तो चूँकि तालिबान के प्रभाव के कारण से, तालिबान के कब्जे के कारण से, जो एक्सपोर्ट होने वाला था वो सारा रुक गया है, डिस्पैचेस बंद है, पेमेंट भी सारे बंद हो गए हैं। बेसिकली भिलवाड़ा जैसे आज लास्ट ईद के बाद में जो मेरा कि अफगानिस्तान की रहती है ईद की सीज़न पूरी, वो ईद की सीज़न तो जैसे कंप्लीट हो गई, उसके बाद में ये थोड़े प्रॉब्लम्स आने चालू हुए तालिबान के। तो उसके बाद में जो बायर्स ने ऑर्डर दे रखे थे वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ रही है, वो कुछ कंटेनर तो पोर्ट पे चले गए हैं और कुछ कंटेनर अपने इधर यहाँ पे रुक गए हैं, कुछ प्रोडक्शन पाइपलाइन में है, तो वो सब चीज़ें होल्ड पे चली गई। अभी की स्थिति में सारे प्रोडक्शन रुका हुआ है,